तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। और आज हम जाएंगे एक नए देश में। आप कहोगे भाई कल तो स्विट्जरलैंड आया है, आज नए देश में जा रहा है। हालांकि उस देश को आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो, पर वो देश मतलब अपने आप को अलग सी देश बना के बैठा है। और वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम है उस देश की। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और आज हम जाएंगे ट्रेन से, और आज हम कोई टिकट नहीं लेंगे। उसका मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं लेंगे, एक कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है हमको। तो चलते हैं अपने नॉर्मल वाले ट्रेन स्टेशन पे, जिससे कल हम ज्यूरिक मेन पे गए थे, और ज्यूरिक मेन से उस वाले देश में चलते हैं। हमको लगेगा अराउंड 1.5 घंटा पहुँचने में, 10:08 की ट्रेन है और शायद 12:30 पहुँचा देगी। हमारा प्लान तो था सुबह कितने बजे निकलने का, इसमें डाल ले, ग्रे है ये, डाल दी। हाँ हाँ, तो हमारा प्लान था सुबह 7 बजे निकलने का, पर अभी बज रहे हैं 9:30 के करीब, क्योंकि भाई उठने का मन ही नहीं किया हमारा। उजाला नहीं टूटता, हाँ नींद खुलती है 8 बजे, अंधेरा है बाहर, क्या करना, अभी तो रात है, सो जाओ। तो चलो अच्छा हुआ कि हम थोड़ा लेट निकले, वो देश ही आराम से घूमेंगे, वरना हमारा प्लान तो था लुसर्न जाने का, वो देश घूमने के बाद। तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा देश है। तो पर छोड़ो, लुसर्न क्या ही जाएंगे हम, कोई गांव वाँव घुमाएंगे बीच में, क्योंकि हमको अब अगले 22 दिनों तक मेरे को कोई भी ट्रेन की टिकट लेने की पूरे यूरोप में कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो आ जाओ, दिखाते हैं आपको आज एक नया देश। पहुंच गए भाई स्टेशन पे, यहाँ पे स्टेशन वगैरह पे मास्क लगाना ज़रूरी कहूँगा मैं, क्योंकि वैसे दिख जाएंगे आपको लोग ना भी मास्क लगाए हुए, पर ज़रूरी है। तो हम ट्रेन में तो ज़रूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठ जाओगे तो हमारी ट्रेन आएगी 10:08 पे, वो हमको पहुँचाएगी ज्यूरिक मेन पे 10:23 पे, फिर 3-5 मिनट की वॉकिंग है मतलब स्टेशन के अंदर ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और 10:40 पे दूसरी ट्रेन है जो कि हमको लेके जाएगी, हम जा रहे हैं लिकेनस्टीन, जो भी कह लो भाई, बहुत मुश्किल नाम है। तो उसके बॉर्डर पे छोड़ देगी वो हमको ट्रेन, फिर उसके आगे जाती है सिर्फ बस, या तो बस की टिकट ले लो या फिर मतलब पैदल चले जाओ। तो हमने सोचा है एक साइड बस ले लेंगे, एक साइड पैदल आ जाएंगे, क्योंकि एक बस की टिकट भी यहाँ पे 300 रुपये की पड़ेगी, तो इससे अच्छा पैदल चले जाएंगे, देश भी पूरा घूम लेंगे और फिर पैदल बस से देश को एग्जिट कर देंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी वेट करते हैं 10:08 तक, 5-7 मिनट बाद आ जाएगी ट्रेन। इस ट्रेन से आए हैं भाई हम ज्यूरिक मेन स्टेशन पे, अब जाएंगे दूसरी ट्रेन पकड़ने। अब जाना है हमको इस ट्रेन में, RJX 10:40 पे है। इंस्पेक्ट जाएगी ये ना, पांच प्लेटफॉर्म, हाँ RJX। ये लगी पड़ी भाई अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म 5, यही है जो लगी हुई है, पता नहीं बुडापेस्ट वगैरह क्या लिखा है, वैसे जाना हमको इसी ट्रेन में। तो भाई साइड में चल रही है सड़क और इस साइड खड़ी है ट्रेन, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास का पास है EU रेल का, तो हम फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हैं। मतलब दो पास होते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो हम फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हैं। ये है फर्स्ट क्लास की बोगी और आगे शायद सेकंड क्लास की होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये ट्रेन देखो बुडापेस्ट जाती है, 9:19 पहुंचती है और हमको उतरना है 11:48 वाले बुकस पे, 2 ही स्टॉप है बस। भाई ये देखो लोकल ट्रेन है, मतलब वैसे लोकल तो नहीं कहूँगा पर बुलेट नहीं है, और 160 पे पहुंच गई है ट्रेन, 155। बाजू बाजू में चल रहे हैं ज्यूरिक लेक के,
पर शीशे साफ नहीं कर रखे, इतने पैसे ले लेते हैं शीशे साफ करते नहीं है लोग, क्या मतलब आया हमारी जर्नी का पहला स्टॉप और ठीक ठाक सुपर फास्ट ट्रेन है, 160 तक गई थी स्पीड और इससे अगले स्टॉप पे उतर उसकी 12 मिनट बाद आ जाएगा। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं आखिरी स्टेशन पे जहाँ पे हमको उतरना है और यहाँ से अब हम पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं या फिर बस ले सकते हो, देखते हैं बस कितने की है। एक दो फ्रैंक की हुई तो चल पड़ेंगे, दो फ्रैंक की तो चल लेगा, देख लेंगे। अरे इसमें हमने वीडियो देखी थी, बोले थे अभी कि खाना स्विट्जरलैंड से महंगा है, स्विट्जरलैंड से भी महंगा है, तो भी हम स्विट्जरलैंड में ही तो पहले खाना ढूंढ लेते, बहुत भूख लगी है, खाना खा के फिर चलेंगे। पंजाबी और मैं आए ग्रोसरी स्टोर पर मैं नहीं खा सकता कुछ, क्या है 300 रुपये की ब्रेड, 300 रुपये की पैकिंग, कुछ और ढूंढते हैं। चार पंजाबी क्या कह रहा था यार, काम टर्की में ऐसे वैसे राजा की तरह की है, क्या है प्राइस तो देखना, जो चीज़ आई है उठा लो बस, सस्ता ही है, सिर्फ प्राइस पहले चीज़ बाद में। इस स्टेशन से उतर के ये स्टेशन का नाम है और आप चाहो तो इस नंबर बस में जा सकते हो, ये 12 नंबर बस खड़ी है इसमें जा सकते हो, पर इसमें फिर वही टिकट लगेगी, 5 किलोमीटर पैदल जाना चाहो तो पैदल, तो चल आ जा पंजाबी पैदल। तो हमें जाना है वाडूस, ये है लिकनस्टीन की कैपिटल, चलो आ जाओ। ये स्विट्जरलैंड का झंडा लगा है, अभी लहरा नहीं रहा क्योंकि हवा नहीं चल रही, अच्छी बात है वरना हम लहरा जाते हैं यहाँ पे। और सामने वो देखो, वो जो ब्लू रेड कलर में वो लिकनस्टीन का झंडा है, लिकनस्टीन। तो ये जो नदी है ये बॉर्डर है इनका और बस अब पैदल चल के पार कर जाएंगे हम। ये आ गया लिकनस्टीन का झंडा और सामने हम पहुँच गए लिकनस्टीन में, लिकनस्टीन क्या है ये नाम क्या रख दिया। तो इस देश में बस दो ही बड़ी सिटी हैं, ये शान जिसमें हम एंटर करे हैं और पैदल पैदल चलते चलते जाएंगे हम वाडूस तक। तो देश कुल है ये 25 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर चौड़ा, तो मतलब शायद 6th या फिर 4th स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है शायद, मैं लिख दूंगा कौन से नंबर पे स्मॉलेस्ट है। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल चलते चलते, शायद 1.5 किलोमीटर चल चुके होंगे और 4-1 किलोमीटर और है कैपिटल सिटीज़ की। पैदल चलते चलते पार कर देंगे और फिर हम ट्रेन लेके वापस फिर चले जाएंगे। तो ये आ गए हम शान में, ऐसे ऐसे कुछ घर हैं यहाँ पे, अभी चलते हैं चर्च एक आगे, उसके अंदर एंट्री फीस नहीं होगी तो अंदर चले जाएंगे। और इस साइड है वाडूस, पहले एक बार शान घुमाते हैं कैसा क्या है और फिर चलते हैं वाडूस। ये आ गया भाई यहाँ का चर्च, इस पे चलते हैं देखते हैं क्या है। तो इस कंट्री के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ, ये करेंसी यूज़ करते हैं स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड को अपना भाई मानते हैं, ठीक है मतलब एक तरह से स्विट्जरलैंड ही कह लो इसको। और ये पोस्ट यूज़ करते हैं ऑस्ट्रिया की, लैंग्वेज यूज़ करते हैं जर्मन। ये जो कंट्री है ये एक दूसरी कंट्री है, मतलब दो ही कंट्री है पूरी दुनिया में जो डबल लैंड लॉक्ड है,
लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जिस कंट्री से कोई समुंदर ना लगे। तो फिर इसके जो दोनों तरफ हैं वो है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, और वो दोनों कंट्री भी लैंडलॉक्ड हैं, तो मतलब उनके भी कोई समुंदर नहीं लगता, तो डबल लैंडलॉक्ड है। तो दुनिया में एक कंट्री और है जो डबल लैंडलॉक्ड है, उसमें मैं विजिट कर चुका हूँ, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन सी कंट्री है जो डबल लैंडलॉक्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी कंट्री हैं, लैंडलॉक्ड तो बहुत सारी कंट्रीज हैं पर डबल लैंडलॉक्ड सिर्फ दो कंट्री हैं। तो भाई कैसे हो, कैसे घर आ गई ये पेस्ट्री जैसे इस तरफ जाना, इस तरफ मेन स्ट्रीट है। जिस ट्रेन स्टेशन पे उतरे थे वहाँ पे हमने टॉयलेट चेक करी थी, कितने की थी? 80 रुपए टॉयलेट की एंट्री, तो हम तब से कंट्रोल कर रखी थी। मेरे को तो अभी अभी आई है, पंजाबी को तब से आ रखी है। तो हम यहाँ पे एक मॉल में आए हैं, तो यहाँ करेंगे। तो ये था शान, और हम कुछ ऐसे चल के यहाँ पहुँचे हैं शायद अभी, और ऐसे जाना है हमको। ये पूरा वडूज़ है, मतलब ये लिखा हुआ वडूज़। तो ऐसे इस रोड से चल के और इसके आगे जाएंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे दोबारा स्विट्जरलैंड में। इस तरफ भी स्विट्जरलैंड लगता है, इस तरफ भी, इस तरफ पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है। ये जो नदी दिख रही है यही था बॉर्डर स्विट्जरलैंड का। ये देखो स्वेज लिखा है, मतलब ये कुछ स्विट्जरलैंड ही होगा। हाँ स्विस लिखा है ना ये, और ये आपका लिकनस्टीन। ये जूस की बोतल हमने ली थी एक फ्रैंक की खाने के साथ। तो टॉयलेट जाके पंजाबी क्या कह रहा था? जितने का जूस है उतने का मुंह है। तो अभी ऐसे बैठे बैठे चेक कर रहा था मैं, तो अभी हमने यूरो रेल के उस पर देखा कि शाम तक तो ट्रेन आती है, तो भाई हम पैदल क्या आया मेरे को समझ में नहीं आया। या तो हमने पहले वडूज टाइप किया था, या करा तो इस बार भी मैंने वडूज ही टाइप है। चलो फिर कोई नहीं, वापस आ जाएंगे पैदल चल के, और शाम से ले लेंगे हम ट्रेन अपने ज्यूरिख तक की। बड़े डिस्कशन के बाद तीन चीज़ें खरीदी गई हैं 6.55 की। 1 लीटर ये आइस टी, 2 ये सैंडविच, और ये ऑटोमेटिक पेइंग मशीन्स होती हैं, इस पर आप पैसे वैसे डाल दो, कार्ड स्वाइप कर दो, जो मर्जी कर दो, पैसे दे दो बस इनको। तो यहाँ पे भाई पेट्रोल के प्राइस हैं 1.83 फ्रैंक से होगा ये, ऑब्वियस सी बात है। ये यूरो लिखा है, 20,000 रुपये लीटर। तो ये 150 रुपये हो गया, तो ठीक ही है यार इनके हिसाब से, तो इंडिया में ही दे रहे हैं 100 रुपये। तो इस पूरे देश में 7 बस चलती हैं, बस 11, 12, 13 N1, N2, N3 44। तो ये जो कंट्री है ये लास्ट मोनार्की कंट्री बची है यूरोप में, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो राजा उसका वीटो पावर है, यहाँ पे वोटिंग वगैरह होके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो शायद बनता है, पर राजा चाहे तो कुछ भी उनका डिसीजन नल कर सकता है। तो भाई थोड़े साल पहले यहाँ पे क्या हुआ, लोग चाहते थे कि राजा की पावर ख़त्म कर दी जाए। राजा ने कहा अच्छा जी अब मेरी वोटिंग की बारी। राजा ने कहा ठीक है भाई मैं अपनी संपत्ति लेके यहाँ से चला जाता हूँ। राजा की संपत्ति है कुछ $7.5 बिलियन। तो फिर यहाँ के लोग समझ गए भाई अपनी इतने सारे पैसे लेके जाएगा तो हम तो लूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पर रहो। तो मतलब राजा किसी भी चीज़ को नल एंड वॉइड कर सकता है, और वो शायद यहाँ का कैसल है, ये देखो जहाँ के आपने ड्रोन शॉट देखे। और यहाँ पे हर साल कोरोना से पहले एक राजा पार्टी देता है अपने बगीचे में, मतलब, और उसमें सब लोग इनवाइटेड होते हैं, कोई भी आ सकता है। तो इस साल तो पता नहीं कब देता है वो, मैं ऑनलाइन सर्च करके यहाँ पे लिखूँगा। तो अभी तो खैर नहीं दे रहा होगा, कोरोना में तो खैर बिल्कुल ही नहीं दे रहा होगा, और अभी इतने ठंड में भी नहीं दे रहा होगा। मेरे हिसाब से गर्मियों में देता है राजा पार्टी। तो अभी हम पहुँचने वाले मेन सिटी में इनकी, जो वडूज़ है जो कैपिटल सिटी है, पैदल चलते चलते, और दिखाता हूँ आपको वहाँ का सिटी सेंटर कैसा है। ये आ गया एक तरह से यहाँ का सिटी सेंटर टाइप, और थोड़े बहुत दुकानें वकानें दिखने लगी हैं अब। इस तरफ है शायद, हाँ देखो
ऊपर कैसल है। आ जाओ चलो, ये है सिटी सेंटर यहाँ का। यहाँ आए हम सुविनियर शॉप पे और ये स्विस नाइफ्स जो बहुत फेमस हैं, 51 फ्रैंक 53, पूरी लाइन से लगे हुए हैं अलग अलग वॉचेस। सुविनियर टाइप शॉप है, तो यहाँ से तो मैग्नेट लेने आया हूँ बस, लाइकेंस्टीन का। तो भाई यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह बहुत महंगे हैं। सबसे बेकार मैग्नेट मतलब था यहाँ पे 4.5 फ्रैंक का, सबसे बेकार मतलब ये था, लाइकेंस्टीन लिखा है इस पर। और फिर मैंने एक लिया, मैं सिक्के कलेक्ट करता हूँ जैसे सबको पता ही है। तो यहाँ पे मतलब स्विस फ्रैंक और यूरो यूज़ होते हैं, तो इन्होंने अपना अलग से ये बना रखा है, मतलब ऐसे ही सुविनियर टाइप में लिकनस्टीन का चमक चमचमाता सिक्का। 3 फ्रैंक का ये था, तो हमने 7.5 फ्रैंक दिए इन चीज़ों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये मान लो लगभग हम पूरा देश घूम चुके हैं, और यहाँ पे 2-4 बच्चे स्केटिंग करते हुए दिखे, वरना हमको पूरा मतलब पूरा देश खाली मिला है, गाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। मतलब बंदे तो बहुत ही कम दिखे हैं। पूरे देश की पॉपुलेशन शायद 38,000 है, इतनी हमारे इंडिया में एक छोटे से गाँव की होती है। और यहाँ पर लग्जरी स्टोर अभी भी क्यों खोल के खड़े हैं ऐसा लगता है भाई, क्यों ही मेहनत कर रहे हैं खोल के, यहाँ पर बंदा ही नहीं है। देखो पीछे तक हमारे 2-4 बंदे वहीं पे थे बस, यहाँ मेन स्ट्रीट देखो, हाँ ये मेन स्ट्रीट है, आगे देखो खाली। खरीद लेंगे देवांगी इस देश को, लोग तो है ही नहीं यहाँ पे। निकालूं कार्ड अपना मैं का। ऐसे आप लगवा सकते हो भाई लिकनस्टीन की स्टैंप अपने पासपोर्ट पे, मतलब सुविनियर स्टैंप है। कोई ऐसी पूरे यूरोप में जरूरत नहीं, शेंगेन में एक बार एंट्री कर गए तो यहाँ पे 3 यूरो में लगाते हैं स्टैंप, 3 फ्रैंक 3 यूरो 240 रुपये। तो ये हम पहुँच गए लिकनस्टीन पोस्ट पे, अभी चलते हैं अंदर, देवांग टॉयलेट ढूंढ रहा है पहले। तो भाई हमको नहीं पता था कि शांस में भी स्टेशन है और हमारे पास में इंक्लूडेड है। यूरो रेल के पास के बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप भी सोच रहे हो भाई कैसे आ गया और ये कौन सी टिकट है जो फ्री में आ रहे हैं लोग। तो अभी हम जाते हैं लिकनस्टीन वाले स्टेशन पे। एक ही स्टेशन है पूरे देश में जो कि है शान में, जहाँ पे हम एंटर हुए थे। तो यहाँ से हमको बस लेके जाएगी, ये था वडूस, और 11, 12, 13, 14, 36 ई तीनों जाती हैं। तो हमारी अगली बस है 2 मिनट में, तो यहाँ से हम बस में बैठ के जाएंगे शान तक, और शान से फिर हम 3 ट्रेन बदलनी पड़ेंगी इस बार हमको ज्यूरिख पहुँचने के लिए, ज्यूरिख नहीं घर पहुँचने के लिए। तो आते वक्त हमको बदलनी पड़ी थी 2 ट्रेन, और शान तक आते तो 3 ट्रेन तो तब भी हो जाती है। इस बार हमको बैठना पड़ेगा 4 ट्रेन में, और चारों पास में इंक्लूडेड है हमारे। तो अब चलते हैं शान तक, यहाँ से बस पहुँचा देगी सिर्फ 8 मिनट में, जो हमको आने में लगे 2-2.5 घंटे। ठीक है तो आ जाओ चलते। ये था छोटा सा देश लिकनस्टीन, और अब मैं आपको इसका एकमात्र ट्रेन स्टेशन भी दिखा देता हूँ। स्टेशन ऐसा था, स्पिंक्सी बिल्डिंग के पीछे बस रोड पे आके खड़े हो जाओ, ये स्टेशन है। स्टेशन का नाम है शान वडूस। बस यहाँ ट्रेन आएगी 5:04। ये आ गई हमारी पहली ट्रेन, ये जस्ट हमको कराएगी बॉर्डर क्रॉस, ये हमको छोड़ देगी स्विट्जरलैंड में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाद। हम उतर गए हैं स्विट्जरलैंड में, और अब हमको यहाँ पे वेट करना है अपनी दूसरी ट्रेन का। ट्रेन नंबर 2 अपनी जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सबसे ऊपर वाली 7:17 सरगान स्टेशन जाना है। ये देखो मेहनती यूट्यूबर और रीलर द पंजाबी वॉटर, उनको जाना है यहाँ से सरगान। दूसरी ट्रेन से उतर गए हैं, अब तीसरी में है 25 मिनट्स के करीब। तो भाई आधा घंटा वेट नहीं किया हमने, मतलब एक ट्रेन खड़ी थी जो ज्यूरिख जा रही थी, हमने अपने पास में टिकट चेंज करी
एकदम से ट्रेन में बैठने के बाद, और हम इसमें बैठ गए, आधा घंटा बच गया। आखिरी ट्रेन, यहाँ आए हम भाई। पूरे दिन घूमने के बाद सबवे, बड़ी हिम्मत करके हमने मेन्यू बाहर से देख लिया था, यहाँ पे आके बेइज्जती होएगी, पर सब ऑफ द डे जो यहाँ पे 6 का है, 6 फ्रैंक्स और मतलब 6 इंच, वो भी तो 500 रुपये का 6 इंच खा रहे हैं, वो भी अपने चॉइस का नहीं। तो देख लो भाई, रेट पे यकीन नहीं हो रहा तो 12 दिए मैंने, ये सब ऑफ द डे का डिस्काउंट है।